मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपके किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को नव ग्रहों और वनस्पतियों का क्या संबंध है इस विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। नव ग्रहों से संबंधित दोषों को या नव ग्रहों से संबंधित कष्टों को या नव ग्रहों से संबंधित पीड़ाओं को वनस्पतियों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में ये वर्णन है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि देव प्रतिकूल हैं या शनि देव के कारण कोई कष्ट है तो आपको राजपथ यानी सड़क के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र ये भी कहता है कि बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए आपको पीपल के पौधे को लगाना चाहिए। चंद्रदेव को अनुकूल बनाने के लिए आप पलाश के वृक्ष का रोपण कर सकते हैं, पलाश के पौधे को लगा सकते हैं। इसी प्रकार शनि देव की शांति के लिए पीपल के वृक्ष की उपासना की सलाह दी जाती है। देवगुरु बृहस्पति के पूजा के लिए केले के पौधे की उपासना की सलाह भी दी जाती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव अच्छी स्थिति में है और शनिदेव की कृपा हासिल करना है तो शमी के पौधे की पूजा अर्चना की सलाह भी दी जाती है। शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गूलर के वृक्ष की पूजा की सलाह दी जाती है और यदि शुक्रदेव की कृपा हासिल करनी है तो गूलर का वृक्ष आपको लगाना चाहिए। कुछ जड़ी होती हैं जिनकी चर्चा आज हम आपसे करने वाले हैं। सूर्य भगवान की कृपा हासिल करने के लिए या सूर्य भगवान से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए बेल के जड़ी को लाल धागे यानी लाल डोरी में बांध करके आपको धारण करना चाहिए। बेल पत्र की जड़ी को यदि आप लाल डोरी में बांध करके धारण करते हैं तो सूर्य भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है, सूर्य भगवान से संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा से संबंधित कोई परेशानी है तो खिरनी की जड़ को सफेद डोरी यानी सफेद धागे में बांध करके आपको धारण करना चाहिए। खिरनी की जड़ को सफेद डोरी में बांध करके धारण करने वाला व्यक्ति चंद्रदेव की कृपा को हासिल करता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल देव को लेकर के कोई प्रतिकूलता है या आपको मंगल देव से संबंधित कृपा हासिल करनी है तो अनंत मूल की जड़ को लाल या ऑरेंज रंग के धागे में बांध करके आप उसे धारण करें। मंगलदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अनंत मूल की जड़ को ऑरेंज रंग के धागे में बांध करके मंगलवार के दिन धारण करें। ऐसा करने से आपको मंगलदेव की कृपा प्राप्त होगी।
यदि बुद्धदेव के कारण कोई परेशानी है या हमें बुद्धदेव की कृपा हासिल करनी है तो हमें विधारा की जड़ को हरे रंग के डोरी या हरे रंग के धागे में बांध करके धारण करना चाहिए। किसी भी जड़ी को धारण करने के लिए धागे के रंग को भी हम आपको बतला रहे हैं। बुद्ध देव का रंग हरा होता है, इसलिए विधारा की जड़ को हरे रंग के डोरी या धागे में बांध करके आप बुधवार के दिन धारण करें, जिससे आपको बुद्ध देव की कृपा प्राप्त हो सके। यदि बृहस्पति की कृपा हासिल करनी है और बृहस्पति देव की कृपा को प्राप्त करना है तो आपको केले की जड़ को गुरुवार के दिन पीले डोरी या पीले धागे में बांध करके धारण करना चाहिए। जड़ी को धारण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान मैं आपको वक्ष स्थल ही मानता हूं। गले में धारण कीजिए, जड़ी को आप किसी चांदी के ताबीज के अंतर्गत भी ले सकते हैं। और गले में इसलिए धारण करें क्योंकि हाथ में धारण करने से बार बार वो धागा या डोरी स्लिप होकर के नीचे उतरता है, इसलिए गर्दन में धारण किया जाना श्रेष्ठ या श्रेयकर होता है। यदि हम शुक्रदेव की कृपा हासिल करना चाहते हैं या शुक्रदेव के कारण हमारे जीवन में कोई परेशानी है तो हमें सरपोंखा की जड़ को चमकीले धागे या चमकीले डोरी में बांध करके शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। सरपोंखा की जड़ को चमकीले धागे या डोरी में बांध करके यदि आप धारण करते हैं तो आपको शुक्रदेव की कृपा निसंदेह प्राप्त होगी। शनिदेव की कृपा हासिल करने के लिए बिच्छू की जड़ को नीले या काले धागे में बांध करके आप शनिवार के दिन गले में धारण करें। यदि शनिदेव की कृपा आपको हासिल करनी है तो बिच्छू की जड़ को नीले या काले धागे में बांधिए और उसे शनिवार के दिन आप गले में धारण करें। राहु की कृपा हासिल करने के लिए या राहु से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए सफेद चंदन की जड़ को आप किसी भी धागे में या डोरी में बांध करके धारण कर सकते हैं। सफेद चंदन की जड़ को गले में धारण करने से राहु से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। केतु के कारण परेशानी है या केतु की कृपा हासिल करनी है तो अश्वगंध की जड़ को आप गले में धारण कीजिए। अश्वगंध की जड़ को धारण करने से केतु से संबंधित समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं। इन जड़ियों को हासिल करने के लिए कुछ परिश्रम और कुछ मेहनत करना पड़ सकता है, परंतु ये वनस्पतियां नव ग्रहों से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और इन जड़ियों को धारण करने से ग्रह जनित बाधाएं या दोष दूर होते हैं। नव ग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए हम अपने भारत देश में उपलब्ध वनस्पतियों का उपयोग कर सकते हैं। आने वाले समय में हम इन वनस्पतियों के माध्यम से यज्ञ और हवन कैसे करें और हम अपने ग्रहों की शांति कैसे कर सकते हैं, यज्ञ और हवन में किन किन वनस्पतियों की लकड़ियों को शामिल करना चाहिए और हमें इन वनस्पतियों से कैसे लाभ लेकर के अपने ग्रह दोषों को दूर करना चाहिए, ऐसे ही रोचक पहलुओं को लेकर के मैं आपके समक्ष बार बार उपस्थित होता रहूंगा। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।